कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा, घर से बाहर आओगे तो पकड़े जाओगे, हैशटैग पुलिस। ये मैंने क्यों लिखा है खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग, लगातार प्रशासनिक अधिकारी आपको जागरूक कर रहे हैं, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, पर लोग जो हैं नहीं समझ रहे। कल से 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, अब किसी को भी घर के बाहर आने की अनुमति नहीं दी जा रही। आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं उधमपुर विनस चौक इलाके से, किस तरह से सब इंस्पेक्टर यहां मौजूद हैं, किस तरह से लोगों को पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई भी कहीं ना कहीं की जा रही है, चालान किए जा रहे हैं, फिर भी आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ की लोगों की जो भीड़ है किस तरह से लगी है। हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है, सब इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद हैं, CRPF के लोग यहाँ मौजूद हैं, CISF के लोग यहाँ मौजूद हैं, हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। मेरे पीछे आप देखेंगे किस तरह से गाड़ियों की कतारें आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से सभी को पूछा जा रहा है, उसी के बाद उनको जाने देने की अनुमति दी जा रही है। ये सीधा ये जो आप व्यू देख रहे हैं उधमपुर विनस चौक इलाके का है, विनस चौक इलाके में जो है इस तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखें आप किस तरह से यहाँ पर कंटीली तारें यहाँ पर लगाई गई हैं, ये आप देख रहे हैं। ये आपको सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, हर चौक चौराहों पर, ज़्यादातर चौक चौराहों पर उधमपुर के आपको इसी तरह की तारें नजर आएंगी। ये तार इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तार को क्रॉस करके आगे ना जा पाए। लगातार हम आपको खबरों से रूबरू करवा रहे हैं कि लोग जो है नहीं समझ रहे, अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सतर्क होना पड़ा है, इसीलिए जो है हर चौक चौराहों पर आपको इसी तरह की तारें नजर आएंगी। कहीं ना कहीं मैं बताता चलूं, जियो और जीने दो के NGO के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, ये भी आ चुके हैं, यहाँ पहुँच चुके हैं। इन लोगों द्वारा भी जो है पुलिस प्रशासन की जो है मदद की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात की जाए लोगों की तो लोग जो है अब मदद के लिए बाहर नहीं आ रहे थे, अब जी और जीने दो भी जो है लोगों की मदद के लिए बाहर आ चुका है। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं, CISF के लोग यहाँ मौजूद हैं, CRPF के लोग यहाँ मौजूद हैं, हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। ये आप यहाँ का दृश्य देख रहे हैं विनस चौक उधमपुर इलाके का, किस तरह से पूछताछ हर आने जाने वालों से की जा रही है। ये काफ़ी बड़ा सवाल था लोगों का कि लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा, लोगों को मनाया क्यों नहीं जा रहा, लोग क्यों नहीं समझ रहे, पर इसीलिए आज जो है पुलिस प्रशासन को सतर्क होना पड़ा है। हर चौक चौराहों पर, मैक्सिमम उधमपुर के चौक चौराहों पर आपको कंटीली तारें नजर आएंगी, कोई भी चौक चौराहों पर आपको नहीं दिखेगा आज, क्योंकि कंटीली तारें जो हैं पुलिस प्रशासन द्वारा बिछा दी गई हैं। यह आगे माहौल आप देख सकते हैं विनस चौक उधमपुर का, किस तरह से लगातार लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं NGO के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, किस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से लोग, सर एक मिनट, इन लोगों से भी बात करने की कोशिश कर। जी अपना नाम बताएं। साहिल शर्मा। साहिल जी कहाँ जा रहे हैं आप? सर दवाई लेने जा रहे हैं। दवाई लेने जा रहे हैं। देखिए आपको बताया था कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, क्या आप उस वक्त नहीं जो है दवाई लेने आ सकते थे? सर घर से अभी फोन आया मेरे को, मैं गाड़ी पे था तो फिर जाना पड़ा दवाई लेने। जी आपको बताते चले, काफ़ी कंप्लेंट ये भी आ रही है कि दवाइयों की दुकान जो है पूरा दिन खोलने जाने की जो अनुमति दी गई है, कहीं ना कहीं लोग जो है अब पुलिस को बहाना देकर जो है निकल रहे हैं कि दवाई लेने हम जो जा रहे हैं। हम प्रशासन से यही अपील करेंगे, दवाइयों को भी जो है जो टाइम जो बाकी एसेंशियल सर्विस को दी गई है, वही टाइम जो है मेडिकल शॉप्स को भी दी जाए, ताकि लोग जो है बाहर किसी भी बहाने से बाहर ना आए, क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन जब हम बात करते हैं, पुलिस के जो कर्मी हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस प्रशासन के लोग रोकते हैं तो उन्हें ये बहाना देकर निकल जाते हैं कि हम जो है दवाई लेने बाहर निकले हैं, क्योंकि दवाई लेने की अगर बात करूं तो हर किसी के पास मेडिकल की जो स्लिप है वो होती है, वही स्लिप दिखाकर जो है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को दिखाकर वो जो है निकल जाते हैं।
फिर भी आप कहीं ना कहीं ये साफ तस्वीरें आप उधमपुर विनेश चौक की देख रहे हैं, किस तरह से सख्ती जो है आज की जा रही है। सख्ती करना गलत नहीं है, सख्ती करने का जो है लोगों ने मजबूर किया है, उधमपुर के वासियों ने जो है मजबूर किया है पुलिस प्रशासन को, क्योंकि लगातार जो सख्ती थी वो उधमपुर में नहीं देखने को मिल रही थी। लगातार सिर्फ जागरूक जो है पुलिस प्रशासन उधमपुर प्रशासन कर रहा था, पर लोग जो थे नहीं समझ रहे थे। आज जो है पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती कर दी गई है, हर चौक चौराहों पर तारें लगा दी गई हैं, आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं किस तरह से जागरूक कर रहे हैं कि मास्क पहने, जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको मास्क के लिए कहा जा रहा है, जो लोग कहीं जा रहे हैं उन्हें पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अगर किसी को ज़्यादा ही इमरजेंसी है उसी को है बाहर आने की अनुमति दी जा रही है। आप सामने का दृश्य देख रहे हैं कि किस तरह से रोका जा रहा है, किस तरह से पूछताछ जो है की जा रही है। एनजीओ के लोगों से बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह की मदद जो है ये पुलिस प्रशासन की अब कर रहे हैं। जी पहले तो आपका स्टेट समाचार में स्वागत है। पटियाला जी थैंक यू। ताजी जी क्या कहना चाहेंगे, आज आप बाहर आए हैं लोगों की मदद करने, लगातार लोगों को पुलिस प्रशासन उधमपुर जिला प्रशासन जागरूक कर रहा था, घरों में रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर रखें अपने पास, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, लोग जो थे नहीं समझ रहे थे। आज कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सतर्क होना पड़ा है, सख्ती करनी पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? सर ऐसा है, ऐसी बात नहीं है, लोग समझ नहीं रहे हैं। 80% लोग जो हैं वो लॉकडाउन का पूरा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 20% लोग जो हैं खाम खास शहरों की तरफ रुख करते हैं। जब से ये लॉकडाउन चल रहा है तब से हमारी संस्था जो है पूरी तरह पुलिस प्रशासन के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम कर रही है। यहाँ पे आप देखिए सारी मेडिसिन की दुकानें खुली हैं, लोगों के पास एक बहाना बन जाता है घूमने का कि हम मेडिसिन लेने जा रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड में हमें पता है। और इसके साथ साथ पुलिस जो है उसको भी पूरी तरह ये नहीं है कि हम किस हद तक सख्ती करें। आज ये तारे वारे लगी हैं, थोड़े एक्टिव हुए हैं, आपके माध्यम से तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि प्लीज़ शहर की तरफ मत आइए। आप 15 दिन 20 दिन या 10 दिन लॉकडाउन करते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, हम नहीं बच सकते, पूरा नेशन बच सकता है, हमें मिल के इस बीमारी के लिए लड़ना है। हमारी फोर्सेस आप देखिए सुबह से शाम तक भूखे प्यासे वो रोड पे खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, तो हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये लोग हमारे लिए खड़े हैं। ठीक है, अगर कल पिछले देखिए आप सुबह से यहाँ पे घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा भी आपको बताया गया होगा, कई लोग जो है बहाना देकर निकल रहे हैं कि हम दवाई लेने जा रहे हैं, क्योंकि स्लिप जो है सबके पास होती है मेडिकल स्लिप, उसी को दिखाकर जो है वो निकल जाते हैं। कहीं आप नहीं मानते कि आपने एक एज एनजीओ के प्रधान होने के नाते जिला प्रशासन से अपील करना चाहें कि जो है मेडिकल को भी जो है यही टाइम दिया जाए जो बाकी सेंशियल को टाइम दिया गया? हम ये नहीं कहेंगे कि पूरे दिन जो है उनको बंद किया जाए, टाइम दिया, मैं कहता हूँ उनकी रूटीन बनाई जाए। हॉस्पिटल में अगर 15-16 दुकानें हैं तो उनमें से 3-4 दुकानें जो हैं वो खुली रहें डे बाई डेज। जैसे आदर्श कॉलोनी में 3 दुकानें हैं, 2-4 दुकानें हैं, 5 दुकानें हैं, उनमें से 2 दुकानें खुली रहें, ताकि ये जो जितनी ज़्यादा दुकानें खुली हैं, वैसे भी जो लोग हैं बड़ा कम मेडिसिन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फील्ड में काम कर रहे हैं, लोग ऐसे निकल के आ रहे हैं। अभी हम किसी को पूछते हैं वो कहते हैं मेडिसिन लेने जाना है, जब आए कहाँ से, हाउसिंग कॉलोनी से, हाउसिंग कॉलोनी से सैले तला चौक तक कम से कम भी 200 दुकान पड़ती है, वो 200 दुकान छोड़ के वो सैले तला चौक पे ही दवाई लेने आ रहा है, क्योंकि वहीं से उसको दवाई मिलती है। हमें वो सामने पता लग रहा है वो एक बहाना कर रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कुछ लोग जो मजबूर हैं, ठीक है, उनका तो चलो कोई बात नहीं, अगर ये लोग जो बहाना मार रहे हैं, पर जो रैली में जो सही में जो वो है मजबूर है, तो आप तो उसको लिए भी फिर आप झूठा मानेंगे ना, क्योंकि दूसरे लोग तो बहाना निकल रहे हैं यहीं से। फिर जो लोग मजबूर हैं, जिनको ज़रूरत है, वो लोग अगर ज़्यादा सख्ती की तो वो लोग भी इग्नोर हो जाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते, हम उन लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आपकी नलायकी और आपकी अपनी खुशी के लिए बाहर निकलने की वजह से वो लोग जो मजबूर हैं उनके लिए भी अगर सख्ती हो जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जिसकी इस वक्त कोविड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे, वहाँ हमने जो देखा, वहाँ पे हमने देखा काफ़ी लोग मजबूर हैं मेडिसिन के लिए। अभी हम देख रहे हैं
अपने सलाथिया चौक में एक क्लिनिक है, उसके बाहर बच्चे बच्चे लोग, हालांकि वहाँ बच्चों का नहीं है लेकिन बच्चों को लेके लोग इतने लोग आ गए हैं। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, अपने बच्चों को घर रखो, खुद आओ, आपको ज़रूरत है तभी आओ, ऐसे शहर की तरफ मत आओ। उन 80% लोगों को देखो जिन्होंने पूरी तरह उधमपुर के, मैं उधमपुर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो 80% लोग अपने घर में खुद लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं। आप देखिए, घूम के देखिए, यहाँ वही लोग हैं जो 20% लोग हैं जो घूम रहे हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है, या पार्क में क्रिकेट खेल रहे होंगे, या साइकिलिंग कर रहे होंगे, या कार मोटरसाइकिल निकाल के, स्कूटी निकाल के शहर के हालात को देख रहे होंगे। क्या मानते हैं क्या बच्चों के पेरेंट्स को इस वक्त जो बच्चों को बाहर क्रिकेट खेलने के लिए भेजना चाहिए? बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। मैं उनके माँ बाप को ये अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को घर रखो, शाम को भी घर रखो, साइकिलिंग के लिए भी मत उनको भेजो। ये थोड़े से दिन निकल जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, तो इनके लिए हम सबको मिलकर लड़ना है। अगर आपको अपने मुल्क से, अपने आप से और अपने शहर से, अपने मोहल्ले से प्यार है तो प्लीज़ लॉकडाउन का पालन कीजिए, गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइज कीजिए। यही एकमात्र है अपने आप को बचाने का और अपने मुल्क को और अपने घर को बचाने का। जी धन्यवाद जी। अंत में मैं फिर आपको दृश्य उधमपुर विनस चौक का दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन आज जो कि सतर्क हो चुकी है, हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है, किसी को भी घर से बाहर आने की जो है अनुमति नहीं दी जा रही। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरें आपको विनस चौक उधमपुर से दिखा रहे हैं हम, किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन की सतर्कता जो हम आपको दिखा रहे हैं उधमपुर में। ये आप देख रहे हैं कि जियो जीने दो के लोग भी बाहर आ चुके हैं, पुलिस प्रशासन के लोग आज बाहर आ चुके हैं, कंटीली तारें जो हैं हर चौक चौराहों पर इसी तरह से आपको नजर आएंगी। ये आप देख रहे हैं साफ तस्वीरें किस तरह से एक पुलिसकर्मी जो है हर आने जाने वाले से जब यहाँ पे विनस चौक में पूछ रहा है कि आखिरकार कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अगर कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो ही उन्हें जाने की, आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। ये आप देख रहे हैं बढ़िया जी। आपको आप मैं कमेंट देख रहा था कि कमेंट्स जो है कुछ लोग कर रहे हैं कि आप लोग भी जो है घर में रहें। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम लोग घर में बैठ गए तो आप तक जो है खबरें हम नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, हर चौक चौराहों पर कंटिन्यू तारे हैं। अगर हम नहीं बताते तो शायद आपको नहीं पता होता। हम आपको अगर नहीं बताते कि पुलिस सतर्क आज जो है किस तरह से सख्ती जो है आज उधमपुर शहर में की गई है, अगर हम अपने अपने घरों में होते तो शायद आप तक हम ये खबर नहीं पहुंचा पाते। हम आपके लिए जो है बाहर आए हैं, आप तक खबरें पहुँचा रहे हैं ताकि आप घरों में रहें, घर में बैठे ही, घर आप बैठ कर ही हमें देख सकें। हमारी जो खबरें हैं जो हम आपको बताते हैं कि उधमपुर ज़िले में आज क्या क्या हुआ है, किस तरह के बाहर के हालात हैं, वो अगर हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे तो आखिरकार फिर आप तक हमारी इन्फॉर्मेशन जो है नहीं पहुंच पाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं किस तरह से लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। ये देखिए आप जी, अपना नाम बता दें। आर्यन। आर्यन जी कहाँ जा रहे हैं आप? सलाम। क्या कर रहे हैं? सामान लेना थोड़ा। आपको बताया कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की खाली अनुमति दी गई है। आप पता नहीं, इमरजेंसी काम है। इमरजेंसी काम है। हाँ जी। आप देख रहे हैं यहाँ का उधमपुर का किस तरह से आप पुलिस सतर्क हुई है, किस तरह से लोगों को पूछताछ की जा रही है, हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। ये देखिए आप किस तरह से जो है एक अपनी आईडी कार्ड दिखाकर ही किसी को आगे जाने दिया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, जिसके बाद आईडी कार्ड होगा उसी को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। चला।
ये देख रहे हैं आप, आईडी कार्ड दिखाया तो ही इनको आगे जाने की अनुमति दी गई। वो देखिए आप, सब इंस्पेक्टर यहाँ तैनात है, वो खुद लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पे लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। काफ़ी आज पुलिस प्रशासन को जो है मजबूरी में सतर्क होना पड़ा, मजबूरी में सख्ती करनी पड़ी, क्योंकि आप लोग ही जो थे नहीं समझ रहे थे। अंत में जिस तरह से हर बार मैं